I am Mohammad Shafiq, your chemistry teacher. Today we are going to discuss the aromaticity. कि एरोमेटिसिटी क्या चीज है, कोई कौन सा कंपाउंड जो एरोमेटिक होगा, कौन सा कंपाउंड जो है वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक होगा, उसको हम केमिकली कैलकुलेट हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम फार्मूला यूज करते हुए कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो एक हमारे पास फिजिशियन था एरिच हकल, उसने एक रूल दिया, एक फार्मूला दिया। उसने कहा कि अगर ये हमारे पास इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो कंपाउंड्स हैं जिनको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहेंगे या कोई और कंपाउंड्स हैं हमारे पास, वो अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं तो वो एरोमेटिक हैं, नहीं तो वो एरोमेटिक नहीं है, वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक्स होंगे। वो फार्मूला क्या था हमारे पास, वो फार्मूला था 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 4n प्लस 2, इसी को हम हकल रूल कहते हैं। कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब जो है उसने कुछ कंडीशंस भी बताए थे, उन्होंने कहा मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड कंपाउंड्स अगर फॉलो करें इस फॉर्मूले को। अब मोनोसाइक्लिक मीन्स मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड कंपाउंड्स, अगर उसने कहा मोनोसाइक्लिक कंजुगेटेड कंपाउंड्स या वो इस फॉर्मूले को फॉलो करें तो वो जो है वो एरोमेटिक है, नहीं तो वो क्या है नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब इसको हम लेके चलेंगे, सारे एग्जांपल्स करेंगे। अब सबसे पहले एग्जांपल जो हम लेते हैं वो हम लेते हैं बेंजीन की। बेंजीन को चेक करते हैं कि बेंजीन जो है वो आया वो इस फॉर्मूले को फॉलो करती है या नहीं करती, ठीक है। इस फॉर्मूले को पहले कर लेते हैं हम जो है 4n प्लस 2, ये क्या चीज है। अब जो हमारे पास n है वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मीन्स कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। अगर हम n की वैल्यू सपोज 1 पुट करते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो मीन्स 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। मींस अगर किसी भी कंपाउंड के पास जो कि हमारे पास मोनोसाइक्लिक हो, मींस सिर्फ एक ही रिंग हो, मोनोसाइक्लिक मींस होता है सिर्फ एक ही रिंग होना, ठीक है। मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जिसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा। सेकंड, अगर हम n की वैल्यू पुट करें 2, तो हमारे पास क्या देगा, 4 into 2 plus 2 is equal to हमारे पास क्या देगा 8 और plus 10, तो means 10 pi electrons जिस compound के पास जो हमारे पास monocyclic हो और conjugated हो उसके पास अगर 10 electrons हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो भी aromatic होगा। And so on calculate करते जाएंगे, अगर हम इसकी value 4 की value 3 put करें, n की value हमारे पास plus 2 is equal to हमारे पास कितना आएगा, 14 आएगा, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एंड सो ऑन कैलकुलेट करते जाएंगे, जो भी आंसर आते जाएगा हमारे पास अगर उसी को फॉलो करेगा वो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड कंजुगेटेड कंपाउंड, तो वो हमारे पास एरोमेटिक होगा, नहीं तो वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। अब इस इन वैल्यूज को आपने याद रखना है, 6, 10, 14, ठीक है। अगर ये वाले जब किसी भी कंपाउंड के अंदर देखेंगे इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अगर वो 6 हुए तो एरोमेटिक होगा, अगर वो 10 हुए तो एरोमेटिक होगा, अगर 14 हुए तो एरोमेटिक होगा। अगर हुए फर्स्ट किया पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 4 हुए, 8 हुए, 12 हुए, तो वो हमारे पास सारे क्या होंगे, नॉन एरोमेटिक होंगे। अभी हम एग्जांपल्स करेंगे, ठीक है, नॉन एरोमेटिक होंगे। यहां पर हम एग्जांपल्स कर लेते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं बेंजीन को, आया कि बेंजीन जो है वो हमारे पास एरोमेटिक है कि नहीं है। अब इस केस में देखें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके पास, 1 डबल बॉन्ड है हमारे पास, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 यहां पे हमारे पास 1, 2, 3 मींस हमारे पास इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो अकॉर्डिंग टू हकल रूल हमारे पास आंसर क्या आता है, 6 आता है, 10 आता है, 14 आता है, तो 6 इसमें है तो मींस हमारे पास ये क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या हमारे पास बेंजीन क्या है, वो एरोमेटिक कंपाउंड है। सपोज
हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, साइक्लो ब्यूटीन या साइक्लो ब्यूटो डाइन, हमारे पास ये हम ले लेते हैं इसको, ठीक है। आप इस केस में देखें कि ये हमारे पास वन एंड टू, टू पाई बॉन्ड है, मींस हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हुए, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये हाइड्रोजन रूल को फॉलो नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, क्योंकि इसके पास सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। इस फॉर्मूले को अच्छी तरह समझ लें, उसके बाद कंपाउंड्स लिखते हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करें, अगर उनको फॉलो करें तो वो एरोमेटिक है, नहीं तो वो क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, इस कंपाउंड को देखें, तो ये कंपाउंड जो है इसमें हमारे पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, वन टू थ्री फोर, मींस हमारे पास इसमें एट पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये हमारे पास नॉन एरोमेटिक है। कैसे, क्योंकि ये हमारे पास हकल रूल को जो फॉलो नहीं कर रहा, हकल रूल के अकॉर्डिंग अगर इसके पास टेन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये हमारे पास एरोमेटिक होना था, इसके पास एट इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हमारे पास क्या है, हकल रूल है। उसके शेप वैसे भी, इसकी जो शेप जो है हमारे पास, वो टब शेप बनती है, ऐसी टप शेप इसकी शेप बनती है हमारे पास, इसकी जो है वो कंप्लीट जो हेक्सागोनल शेप बेंजीन की है, ऐसी शेप इसकी नहीं बनती, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा। आई होप आपको समझ आ गई कि एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक वो क्या होते हैं। हम हकल रूल को अप्लाई करते हुए कैसे चेक करना है कि कौन से कंपाउंड जो हमारे पास वो जो है एरोमेटिक है, कौन से कंपाउंड जो है वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक आइंस की। कि कौन कौन से आयंस जो है वो एरोमेटिक होते हैं, सपोज हम जो है यहाँ पे ले लेते हैं, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोपेंटीन जो है हमारे पास, अब बताएं ये वाली हमारे पास जो है ये एरोमेटिक है या नहीं है। अब इस केस में देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स के पास, टू एंड टू फोर, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मींस ये हमारे पास क्या होगी, नॉन एरोमेटिक होगी। लेकिन अगर हम इसमें से यहाँ पे हमारे पास टू हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है और एक हाइड्रोजन ये प्रेजेंट है, अगर इसमें से हम एक जो है हाइड्राइड निकाल दें, मींस इसमें से हम हाइड्राइड निकाला, इसके हम डीहाइड्रोजनेशन करवाई, तो हमारे पास क्या ये बन जाएगा, इसका एनायन बन जाएगा, ये चीज बन जाएगी। अब ये देखें कि ये हमारे पास एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है, इस केस में भी हमारे पास इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मींस ये भी हमारे पास क्या है, नॉन एरोमेटिक है, क्या है, नॉन एरोमेटिक है। उसके बाद हम बात करें अगर इसमें से हम जो है वो हाइड्रोजन हाइड्राइड की फॉर्म, पहले हमने ये निकाला था, ठीक है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन साथ ले गया था अपनी, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रोटॉन निकालें तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रह जाएगा, तो मीन्स हमारे पास एनायन बन जाएगा इसका, जी। हम बात कर रहे हैं अगर कोई भी कंपाउंड एरोमेटिक ना हो तो उसको हम एरोमेटिक कैसे बना सकते हैं, ठीक है। मींस जैसे यहाँ पे हमारे पास बात करें तो हमारे पास साइक्लो पेंटा डाइन जो थी वो हमारे पास नॉन एरोमेटिक थी, उसको हमने पहले इसमें से हाइड्राइड निकाला तो हमारे पास फिर भी नॉन एरोमेटिक रही, इसमें से हम निकालेंगे प्रोटोन निकालेंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा। आप इस केस में देखें कि टू इलेक्ट्रॉन्स ये टू ये एंड टू ये मूव कर सकते हैं यहाँ पे, ये यहाँ मूव कर सकते हैं, ये इधर मूव कर सकता है, मीन्स जो है ये कंजुगेशन में आ सकते हैं, मोनोसाइक्लिक है, और जैसे हम टू रूल्स पहले लिखे थे मोनोसाइक्लिक एंड कंजुगेशन, ठीक है, मोनोसाइक्लिक हो कंजुगेशन में हो तुम्हारे पास जो है वो, और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हो मीन्स वो हकल रूल को फॉलो करता हो तुम्हारे पास वो क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है। तो ये सभी रूल्स को फॉलो कर रहा है, हकल रूल्स को फॉलो कर रहा है, मोनोसाइक्लिक भी है, कंजुगेटेड भी है, तुम्हारे पास ये क्या होगा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स
सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हमारे पास ये क्या करेगा, ये हमारे पास एरोमेटिक होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है। उसके बाद थर्ड, अब इसकी बात करें तो ये हमारे पास जो है ये क्या होगा, ये भी हमारे पास नॉन एरोमेटिक होगा क्योंकि हमारे पास ये जो मूव नहीं कर सकता, तो ये हमारे पास इसमें भी हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, नॉन एरोमेटिक है, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास जो है अगर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स हों, हेट्रोसाइक्लिक वो कंपाउंड होते हैं जिसमें हमारे पास रिंग के अंदर जो है वो कोई और एटम प्रेजेंट हो अदर रेदर देन कार्बन, कार्बन के अलावा भी कोई दूसरे हमारे पास हेट्रो एटम्स प्रेजेंट हो, जैसे हमारे पास जो है वो सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, जिसमें मीन्स हमारे पास अगर ये वाले एलिमेंट्स भी रिंग के अंदर प्रेजेंट हो तो वो उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में वो हमारे पास एरोमेटिक होते हैं, ये नॉन एरोमेटिक हमने ये चेक करना है। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में हम सबसे पहले ड्रा करते हैं पाइरीडीन, इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखिए इसके पास हमारे पास ये हमारे पास पाइरीडीन है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, 2, 4 और 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे पास इसके पास, तो ये हमारे पास क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन लगाएं, मींस यहाँ पे हमारे पास तो ये केस हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, पाइरीमिडीन, पाइरीमिडीन जो है हमारे पास, अब ये एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा क्योंकि 2, 2, 4 और 2, 6 हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा, ये भी हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा। थर्ड एग्जांपल हम लेते हैं पायरोल की, पायरोल को चेक करें, अब ये जो है हमारे पास इसमें क्या है, ये जो पहले हमारे पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जब ऑक्साइड था ये रिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, मींस कंजुगेशन में नहीं आता था, अब इस केस में ये कंजुगेशन में आएगा, तो हमारे पास ये जो हमारे पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, पाई इलेक्ट्रॉन्स, हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, तो ये भी हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, एरोमेटिक होगा। कैसे एरोमेटिक होगा, ये देखेंगे ये मूव करेगा यहाँ पे, ठीक है, यहां से मूव करेगा ये यहाँ पे, ये इधर मूव कर देगा और ये इधर मूव कर देगा, तो हमारे पास जो है ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, हम एक और कंपाउंड लिखते हैं यहाँ पे, अब ये इस कंपाउंड की बात करें तो ये कंपाउंड भी हमारे पास क्या होगा, ये कंपाउंड भी हमारे पास जो है वो एरोमेटिक होगा क्योंकि इसमें हमारे पास 2, 2, 4 और 2, 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी हमारे पास जो है वो एरोमेटिक है, ठीक है। मींस आपने जब एरोमेटिसिटी चेक करनी है तो आपने सिर्फ हक और रूल्स को फॉलो करते जाना है, मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में आपने चेक करते जाना है कि वो जो है हमारे पास आया कि उसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोनोसाइक्लिक है, कंजुगेटेड है, अगर वो कंजुगेशन में भी आ रहे हो, मींस कंजुगेटेड हो और उसमें मोनोसाइक्लिक हो और उसमें हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो, तो वो हमारे पास क्या होगा, वो एरोमेटिक होगा। वो अगर हम और एग्जांपल लें, यहां पे अगर हम एग्जांपल लें ये वाली नेगेटिव, अब ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है ये बताना आप। अब इस केस में देखें कि हमारे पास 2 ये हैं और 2 हमारे पास ये वाले हैं, तो टोटल कितने वाले हमारे पास, 4 पाई, तो 4 पाई हमारे पास क्या है, नॉन एरोमेटिक। अगर 6 होते तो फिर हमारे पास क्या होना था, एरोमेटिक होना था, तो ये हमारे पास क्या होगा, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। तो ये था एरोमेटिसिटी चेक करना, किसी भी कोई भी हमारे पास जो साइक्लिक कंपाउंड्स हैं वो एरोमेटिक हैं या नॉन एरोमेटिक हैं, तो हम उनको चेक कैसे करते हैं, हम हक्कर रूल्स को अप्लाई करते हुए चेक करते हैं, और इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी, हक्कर रूल्स को हम कैसे अप्लाई
करते हैं, ठीक है।